जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है अजगर और बुद्धिमान राजकुमार तथा एक कबूतर। आइए कथा श्रवण करें। एक राजा था जिसके 3 बेटे थे। एक दिन सबसे बड़ा बेटा शिकार करने निकला और जब वह शहर के बाहर निकला तो एक झाड़ी में से एक हिरन निकला और वह उसके पीछे पीछे चल दिया और तब तक उसके पीछे रहा और जब तक कि वह तालाब में छुप नहीं गया। लेकिन वह एक हिरन नहीं था बल्कि एक अजगर था और इसने राजकुमार की प्रतीक्षा की और उसे खा लिया। जब कई दिन बीत गए और राजकुमार घर नहीं लौटा तो लोग आश्चर्य करने लगे कि राजकुमार ढूंढने पर भी क्यों नहीं मिले। तब कुछ दिन बाद बीच का बेटा शिकार करने चल दिया और जब वह शहर के बाहर निकला तो एक हरी झाड़ी से हिरन निकला और वह उसके पीछे पीछे जाने लगा और तब तक चला जब तक कि वह राजकुमार को खाने के बाद तालाब में छुप नहीं गया। लेकिन यह एक हिरन नहीं था बल्कि एक अजगर था जिसने उसका इंतजार किया था और उसे खा लिया था। जब कुछ दिन बीत चुके और राजकुमार घर वापस नहीं लौटे तो दोनों के लिए पूरा दरबार दुखी था। फिर तीसरा बेटा अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकला। जब वह शहर से बाहर आया तो एक झाड़ी से फिर से एक हिरन निकला और राजकुमार के पीछे पीछे चल दिया। लेकिन छोटे राजकुमार ने उसे मारने की कोशिश नहीं की बल्कि खुद से यह कहते हुए उसे छोड़ दिया कि जब मैं लौटूंगा तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। इस प्रकार वह लंबे समय तक पहाड़ी के ऊपर और नीचे अपने भाइयों को खोजता रहा लेकिन कुछ भी नहीं पाया और फिर तालाब के पास लौट आया। जब वह वहां पहुंचा तो तालाब के पास एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत थी। बुढ़िया ने राजकुमार को बोला, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, भगवान आपकी मदद करे बेटा। तब राजकुमार ने उससे पूछा, क्या आपने हिरन को देखा है? उसने उत्तर दिया, मेरे बेटे, वह एक हिरन नहीं बल्कि एक अजगर था। यह कई लोगों को मारा है और मारता रहता है। यह सुनकर राजकुमार कुछ परेशान हो गया और बुढ़िया से बोला, अब हम क्या करेंगे? संदेह है कि मेरे दोनों भाई भी यहां मारे गए हैं। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, यह बात सच है लेकिन इसके लिए मेरे पास कोई मदद नहीं है। घर जाओ मेरे बेटे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उसका शिकार बन जाओ। फिर राजकुमार ने बूढ़ी औरत से कहा, मैं जानता हूं कि तुम मेरे भाइयों को अजगर से आजाद कराने में मेरी मदद करोगी। बूढ़ी औरत ने उससे कहा, मुझे नहीं करना चाहिए, उसने मुझे भी इस तरह पकड़ लिया है लेकिन अब मेरे पास बचने का कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूं। राजकुमार ने कहा, अच्छी तरह से सुनो जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। आप अजगर से पूछें कि वह कहाँ जाता है और अपनी ताकत को कहाँ छुपा कर रखता है। फिर आप बताए हुए पूरे रास्ते को चुंबन दें और बाद में मुझे बताएं जब मैं यहां आऊं। फिर राजकुमार महल में चला गया और बूढ़ी औरत पानी के पास झोपड़ी में रह गई। जब अजगर अंदर आया तो बुढ़िया ने सवाल करना शुरू किया, भगवान के नाम पर आप बताओ कि आप कहाँ थे? आप इतनी दूर कहाँ जाते हैं? आप मुझे नहीं बताएंगे कि आप कहाँ जाते हैं? अजगर ने जवाब दिया, ठीक है मेरी प्यारी बूढ़ी औरत, मैं बहुत दूर जाता हूं। तब बूढ़ी औरत ने पूछा कि तुम मुझे बताओ, जहां तुम्हारी ताकत छुपी हुई है मैं उस जगह को प्यार से चूमना चाहती हूं। उसके बाद अजगर मुस्कुराया और उससे कहा, मेरी ताकत उस चिमनी में है। तब बूढ़ी औरत चिमनी को चूमना शुरू कर दी और यह देखकर अजगर हंसने लगा और उससे कहा, बेवकूफ बूढ़ी औरत, मेरी ताकत वहां नहीं है, मेरी ताकत
एक पेड़ में है। तब बूढ़ी औरत पेड़ को चूमना शुरू की और अजगर फिर से हंसा और उससे कहा, बूढ़ी औरत मेरी ताकत वहां नहीं है। फिर बुढ़िया ने पूछा, कहाँ है? अजगर ने विस्तार से एक विवरण देना शुरू किया, मेरी ताकत वहां है, वहां जाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और आप वहां नहीं जा सकते। राजा के शहर की तरह एक और साम्राज्य में एक झील है, उस झील में एक अजगर है और उस अजगर में एक कबूतर और उसमें मेरी ताकत है। अगली सुबह जब अजगर झोपड़ी से दूर चला गया तो राजकुमार बुढ़िया के पास आया और बुढ़िया ने उसे वह सब बताया जो उसने अजगर से सुना था। फिर उसने अपना घर छोड़ दिया और खुद का भेष बदल लिया। उसने अपने पैरों में चरवाहे के जूते डाल लिए, एक चरवाहे के कर्मचारी को अपने साथ लिया और बताए हुए रास्ते की ओर चल दिया। वह गांव से गांव और शहर से शहर तक जाता रहा। आखिर में वह एक साम्राज्य और शाही शहर में आ गया जिसमें एक झील थी और जिसमें अजगर था। शहर में जाने पर वह पूछताछ करने लगा कि किसी को चरवाहे की जरूरत है। नागरिकों ने उसे बताया कि राजा को जरूरत है। फिर वह सीधे राजा के पास गया। उसने खुद के बारे में राजा को बताया और बाद में राजा ने उसे अपनी उपस्थिति में भर्ती कर लिया और उससे पूछा, क्या आप मेरी भेड़े चरा सकते हैं जो बहुत ही उद्दंड हैं? उसने उत्तर दिया, जी हाँ। तब राजा ने उसे दिशा निर्देश दिया, यहाँ एक झील है और झील के किनारे बहुत सुंदर चरागाह है और जब आप भेड़ों को बुलाते हैं तो वे एक ही बार में चली आती हैं और खुद को झील के चारों ओर फैला देती हैं। लेकिन जो भी चरवाहा वहाँ जाता है वह चरवाहा वापस नहीं लौटता है। इसलिए मेरे बेटे, मैं तुमसे कहता हूँ, भेड़ों को उधर जाने मत देना। राजकुमार ने राजा को धन्यवाद दिया और खुद को तैयार किया। वह अपने साथ एक बाज पक्षी को ले गया। जब राजकुमार ने भेड़ों को बुलाया तो उसने उन्हें झील पर जाने दिया और जब भेड़े झील में पहुंची तो उन्होंने तुरंत से उस झील को घेर लिया और राजकुमार झील में उतरा और चिल्लाना शुरू किया, अजगर ओ अजगर, मेरे साथ मुकाबला करने के लिए बाहर आओ, दिन में हम खुद को एक साथ माप सकते हैं। अजगर ने जवाब में बोला, मैं आ रहा हूं, और वह बाहर निकला। राजकुमार अब अजगर को निहारना शुरू किया और मन ही मन सोच में पड़ गया, यह बड़ा है, भयानक है, यह घृणित है। जब अजगर हमला किया तो उसने उसे कमर से पकड़ लिया और उन्होंने गर्मियों के दिन दोपहर तक कुश्ती की। लेकिन जब दोपहर की गर्मी आई तो अजगर ने कहा, मुझे जाने दो राजकुमार, मुझे इस झील में अपने सर को नम करना है। और अजगर अचानक से झील में चला गया। शाम के समय उसने बांझ को अपनी बांह पर रखा, फिर भेड़ों को भगाया, खेलता हुआ शहर में चला गया। जब वह कस्बे में पहुंचा तो पूरा शहर एक अद्भुत दृश्य देखने के लिए इकट्ठा हुआ, क्योंकि वह वापस आया था जबकि पहले कोई चरवाहा झील से वापस आने में सक्षम नहीं हुआ था। अगले दिन राजकुमार फिर से तैयार हो गया और अपनी भेड़ों के साथ सीधे झील पर गया। लेकिन राजा ने चुपके से उसे देखने के लिए दो सैनिक भेजे और उन्होंने खुद को एक ऊंचे पहाड़ी पर छुपा लिया जहां से वे सारा दृश्य देख सकते थे। जब राजकुमार आया तो झील में जाकर चिल्लाया, अजगर ओ अजगर, मेरे साथ मुकाबला करने के लिए बाहर आओ। जब लड़ाई खत्म हुई तो दोनों सैनिक राजकुमार से पहले ही महल में आ गए थे और राजा को सब कुछ बताया जो उन्होंने सुना और देखा था। अब जब राजा ने देखा कि चरवाहा घर लौट आया है तो उसने तुरंत अपनी बेटी को बुलाया और उससे सब बताया। राजा ने बेटी से कहा, कल आप झील में
चरवाहे के साथ जाओगे और उसके माथे पर चुंबन करोगे। यह सुनकर फूट फूट कर वह रोने लगी और अपने पिता को पुचकारने लगी। आपको कोई और नहीं मिला पिताजी, मैं आपकी इकलौती बेटी हूं, फिर भी आप मेरी परवाह नहीं करते हैं। तब राजा उसे मनाने और प्रोत्साहित करने लगा, डरो मत मेरी बेटी, तुम देखो कि हमने बहुत सारे चरवाहों का बदलाव किया पर कोई वापस नहीं आया। लेकिन यह चरवाहा पूरे 2 दिनों तक अजगर से लड़ता रहा और उसे कोई चोट नहीं पहुंची। भगवान के नाम पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह अजगर को मारने में सक्षम होगा। उसके साथ आप कल जाओ, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या वह हमें इस अजगर से मुक्त करा सकता है या नहीं। अगले दिन की सुबह जब सूरज ऊपर आया तो चरवाहा और युवती उठी ताकि झील पर जाने की तैयारी शुरू कर सके। चरवाहा हंसमुख था, पहले से कहीं अधिक हंसमुख था, लेकिन राजा की बेटी उदास थी और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। चरवाहा उसे शांति दिलाने के लिए बोला, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपको मुझे मेरे माथे पर चुंबन देना है और आप डरिए मत। जब वे झील पर पहुंचे तो भेड़ें तुरंत तालाब को घेरने लगी और राजकुमार ने बाज को अपने कंधे पर रखा, पानी में उतरा और जोर से चिल्लाया, अजगर मेरे साथ लड़ाई के लिए बाहर आओ, हम खुद को एक बार फिर से मापेंगे। जब वह बाहर आया तो उन्होंने एक दूसरे को बीच से पकड़ लिया और गर्मियों के दिन में दोपहर तक लड़े। लेकिन जब दोपहर की गर्मी आई तो अजगर ने कहा, मुझे जाने दो राजकुमार, मैं झील में अपने सिर को नम कर सकता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें आसमान में फेंक दूंगा। राजकुमार ने कहा, आओ अजगर, बकवास बात नहीं करते, अगर मुझे चुभने के लिए राजा की बेटी होती तो मैं तुम्हें और भी अधिक ऊंचाई तक फेंक देता। जब उसने इस तरह से कहा तो राजा की बेटी ऊपर से भाग कर आई और राजकुमार के माथे को चूमी। फिर राजकुमार अजगर को हवा में फेंक दिया और जब वह जमीन पर गिर गया तो वह फट गया। लेकिन जैसे ही अजगर टुकड़ों में फटा, इसमें से एक कबूतर उड़ा और भागने लगा। लेकिन राजकुमार ने बाज को तैयार रखा था और बाज को हुक्म दिया, कबूतर को पकड़ लिया जाए। बाज ने उड़कर कबूतर को पकड़ लिया और राजकुमार के हाथों में लाकर रख दिया। राजकुमार ने उससे कहा, अब बताओ मेरे भाई कहाँ हैं। कबूतर ने उत्तर दिया, मैं बता रहा हूं, आपके पिता के शहर के पीछे एक जल मिल है, उसमें 3 दीवारें हैं, इन 3 दीवारों के जड़ पर एक लोहे का दरवाजा है जो एक बड़ी तिजोरी में खुल जाएगा। उस तिजोरी में कई लोग हैं, बूढ़े और जवान, अमीर और गरीब, छोटे और बड़े, पत्नी और नौकरानियां, उसी में आपके भाई भी हैं। जब कबूतर ने उसे यह सब बताया था तो राजकुमार ने तुरंत उसकी गर्दन काट दी। राजा व्यक्तिगत रूप से खुद को उस पहाड़ी पर तैनात किए हुए था जहां से सैनिकों ने राजकुमार को अजगर से लड़ते देखा था। राजा जिसने पहाड़ी से उसकी सभी वीरता को देखा था, उसे अपनी उपस्थिति में बुलाया और उससे अपनी बेटी की शादी करवाई और 1 सप्ताह के लिए शादी का त्यौहार रखा। इसके बाद राजकुमार ने उसे बताया कि वह कौन है और कहां से है और राजा को यह जानकर और भी खुशी हुई। फिर जैसा कि राजकुमार को अपने घर जाने के लिए जरूरी था, राजा ने उसे एक घोड़ा दिया और उसे यात्रा के लिए सुसज्जित किया। जब वे जलमिल के पड़ोस में थे, राजकुमार ने अपने परिचारकों को रोक दिया। वह खुद अकेला अंदर गया और लोहे के दरवाजे को एक ही बार में खोल दिया। तिजोरी में लोगों की भारी भीड़ थी। राजकुमार ने उन्हें एक एक करके बाहर आने का आदेश दिया और खुद दरवाजे पर खड़ा हो गया। वे इस प्रकार एक के बाद एक बाहर निकले।
वहां अपने भाइयों को देखकर वह उन्हें गले लगा लिया। जब पूरी भीड़ बाहर आ गई तो उन्होंने उन्हें रिहा करने के लिए धन्यवाद दिया और प्रत्येक अपने अपने घर चले गए। लेकिन वह अपने भाइयों और दुल्हन के साथ अपने पिता के घर गया और अपने जीवन के अंत तक शासन किया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।